हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आजाद नेचुरल फिटनेस में। देखिए, आज मैं आपके साथ एक वेरी सिंपल टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। वो है एक्सरसाइज करने से जो क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमें एक्सरसाइज क्यों करते रहना चाहिए और क्यों ज़रूरी है। हमने सुना होगा, लोग बात करते हैं, भाई एक्सरसाइज करने से ये फ़ायदे होते हैं, एक्सरसाइज करने से वो फ़ायदे होते हैं, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अमूमन एक्सरसाइज जो जिम में बंदे जाते हैं, कुछ दिन जाते हैं, फिर कुछ दिन नहीं जाते हैं। महीने में 2-4 दिन, 5 दिन ही एक्सरसाइज करते हैं, या कुछ तो खाली बस जिम में फीस भर देते हैं और फिर घर बैठे रहते हैं। उनके पास टाइम होता है, फिर भी वह नहीं उसे यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको, देखिए, आपको करना है, आप ही को पाना है। एक ऐसा गोल बनाए, ऐसा पर्टिकुलर ऐसा टाइम सेट करें अपने आप का, अपना जो जिस तरह से आप उसे हर एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज के। जो देसी, जो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो एक्सरसाइज के जो बेनिफिट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। देखिए, पहला बेनिफिट है वो है हमारी, जो एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारी बॉडी में नहीं जमा होगा। हमारी बॉडी से वो फैट धीरे धीरे कम होता जाएगा, जो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, और बॉडी में लीन मास बनता रहेगा, मसल्स बनती रहेंगी। अगर बॉडी में मसल्स बनती रहेंगी, उससे क्या होगा कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारी बॉडी की जो मीन्स जो एक्टिवनेस बॉडी में जो होती है वह ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाएगी। हमारा हर काम बेहतर होगा, हमारी बोन्स की डेंसिटी बढ़ती है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन सिस्टम है, वह स्ट्रांग होता है। इवन इवन अगर मैं बात करूँ तो हमारा स्ट्रेस लेवल है बॉडी का, वो भी कम होता है, और हम काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं, और हर कार्य को करते समय हमारा कंसंट्रेशन पावर है वो भी स्ट्रांग होता है। देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें तो एक्सरसाइज करना बहुत बहुत यूजफुल है, स्पेशली जो 30 क्रॉस कर चुके हैं। अगर आपको दीर्घ आयु, लंबी आयु की ओर अगर सोचते हैं कि मेरी लंबी आयु हो और अच्छे से मैं रहूं, अच्छे से अपनी जीवन को यापन करूं, तो ज़रूर ज़रूर आपको एक्सरसाइज को करना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज इन द सेंस ये नहीं कि हमें सभी को बॉडी बिल्डिंग बनना है, सप्लीमेंट्स और ये अदर जो ड्रग्स लेके कुछ इस तरह से, जी नहीं। इसका मतलब है हेल्थ एंड फिटनेस। आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, हेल्दी कैसे रख सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। यही आपको एक लॉन्ग टर्म गोल देगा और लंबे समय तक आपको हेल्दी रखेगा, जिससे जाहिर सी बात है आप इस तरह ना हो कि आप पैसे कमाने में लगे हो, अभी पैसे कमा रहे हो, फिर उन्हीं पैसों से आप बाद में फिर दवाइयाँ लेते फिर रहे हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। प्लीज़ प्लीज़ गाइज, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते रहें, लगातार लगातार करते रहें, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जैसे भी आपका लाइफस्टाइल हो, आपका रिक्वायरमेंट हो, आप एक्सरसाइज को कभी भी इग्नोर ना करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हम खाना खाते हैं ठीक उसी तरह एक्सरसाइज है, खाना खा रहे हैं एक्सरसाइज भी हमें उसी तरह करनी होगी। तो गाइज प्लीज़ हमेशा हमेशा एक्सरसाइज को अपने टाइम टेबल में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में ऐड करें, और हमेशा ऐड करते रहें, करते रहें, करते रहें। थैंक यू गाइस, सी यू।